शुभ प्रभात सभी को। इस वक्त हम आपको जो जानकारी दें तो डोडा का जो काश्तीगढ़ और देसा जो एरिया है वहां पर जो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं, लगातार आपको जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं जिस प्रकार से हालात जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, दो तीन दिनों से लगातार जो एनकाउंटर हुए, आज के दिन इस प्रकार की कोई खबर नहीं आई है कि किसी इलाके के अंदर जो फायरिंग हुई या एनकाउंटर हुआ, लेकिन सर्च ऑपरेशन की जहाँ तक बात करूं तो बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, कल के दिन भी काफी लंबे समय तक जो इनकाउंटर रहा, जो काश्तीगढ़ का एरिया है, जाडान जो स्कूल है उसके आसपास, और स्कूल को भी जो गोलियां जो लगी थी उनकी द्वारों पर भी जो गोलियों के निशान जो साफ साफ जो दिख रहे थे, तो उस इलाके को जो कल से ही कार्डन किया गया है, देसा का इलाका जहां पर काफी बड़ा हमला हुआ और 5 हमारे देश के जो वीर गति को प्राप्त हुए, 4 जो इंडियन आर्मी के थे जिनमें एक जो कैप्टन थे और पुलिस के जो जख्मी थे और बाद में उनकी जो मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन की मैं बात करूं तो रात को VDGs और आतंकवादियों के बीच में जो मुठभेड़ देसा के इलाके में हुई, फिर आतंकवादी जो भागने में कामयाब हुए और घने जो जंगल हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनका कहीं ना कहीं बार बार जो आतंकवादी जो फायदा उठा रहे हैं भागने में कामयाब जो हो रहे हैं। और कल के दिन की मैं बात करूं तो पूरे रात भर जो फायरिंग रही है, यानी 2 बजे जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी, जो जाडान काश्तीगढ़ एरिया है वहाँ पर 2 बजे जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी और सुबह 5 बजे तक, यानी 3-4 घंटे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच में जो फायरिंग रही, उसके बाद फिर से आतंकवादी जो भागने में जो कामयाब रहे, लेकिन उस इलाके को पूरी तरह जो कार्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन जो वहाँ पर लगातार जारी है। कल के दिन जो श्रीधर पाटिल वहाँ पर आए थे, इस सर्च ऑपरेशन का वो हिस्सा बने थे, उन्होंने जब मीडिया से बात की थी तो उनके मुताबिक हम पूरी तरह जो अपनी तरफ से जो अंदर से लगे हैं कि जल्द ही हम इस मिशन के अंदर कामयाब रहेंगे, लेकिन हम पूरी बात जो मीडिया के सामने शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आतंकवादी 2-3 दिनों से लगातार हमारे जो कॉन्टैक्ट में हैं। और कल के दिन भी उन्होंने कहा कि कल के दिन भी उनके साथ जो संपर्क हमारा हुआ था, जल्द ही हम इस मिशन के कामयाब होंगे, जल्द ही हम उनको जो मार्ग रहेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है, 5 लोग जो वीरगति को जो प्राप्त हुए थे, 4 जो सेना के जवान थे और जिनमें एक जो कैप्टन थे, इसके अलावा पुलिस के एक जवान जो वो घायल हुए थे लेकिन बाद में वो भी वीरगति को जो प्राप्त हुए, तो एक सर्च ऑपरेशन जिस प्रकार से उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर चल रहा है, चाहे हम काश्तीगढ़ की बात करें, और बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी जो इन इलाकों के अंदर हैं, चाहे हम जो देसा की बात करें या काश्तीगढ़ की बात करें, देसा के अंदर तो काफ़ी बड़ा हमला, इस वक्त पूरा देश जो सदमे में है, उसके बाद जो काश्तीगढ़ में कल जो हमला हुआ, फिर से जो आतंकवादी भागने में कामयाब हुए और खुद जो लगातार पुलिस के बड़े जो अधिकारी हैं वो बार बार वहां पर जो सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं, और DIG कल काश्तीगढ़ के इलाके में गए थे, वहां पर जो जायजा लिया और सर्च ऑपरेशन का वो भी हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि जल्द ही हमको जो कामयाबी मिलेगी, लेकिन हम इस वक्त मीडिया के सामने ये बातें जो शेयर नहीं करना चाहते कि किस पैमाने पर हमारा जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से हम जो पूरे इलाके को जो कार्डन कर हमने जो रखा है। तो इस वक्त डोडा के हालात क्या है, हम आपको पूरी जानकारी जो रोज़ दे रहे हैं, 2-3 दिनों से लगातार जो इनकाउंटर था हमने आपको जो पूरी जानकारी दी, और कल के दिन भी काफ़ी बड़ा एनकाउंटर रहा, यानी 3 से 4 घंटे जो लगातार फायरिंग रही 5 बजे तक, यानी 2 बजे तक जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार जो फायरिंग आतंकवादियों के साथ वहां पर रही, फिर उसके बाद जो भागने में कामयाब रहे, घने जंगल हैं, पहाड़ियां हैं और उन्हीं का फायदा जो बार बार आतंकवादी जो उठा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो DIG के मुताबिक जो कहना है कि हम उनके संपर्क में आ चुके हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, जल्द ही जो आप सबको पता चल जाएगा हम इस मिशन में जो कामयाब होंगे, जैसे ही जो आगे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम आपके साथ जो साझा करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए JK मीडिया, धन्यवाद।